रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, मूलभूत रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं मतलब छोटी सी छोटी चीज़ों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान होता क्या है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें सब किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ का। पदार्थ रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ का। सबसे पहले हम ये देखेंगे पदार्थ होता क्या है। पदार्थ ब्रह्मांड या पृथ्वी पर जो भी कोई वस्तु है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो सभी पदार्थ होते हैं। ठीक, अब इसको पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत इसे तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य, गैस। अब जरा ये देख लेते हैं ठोस द्रव क्या होता है। ठोस, ठोस क्या होता है? कोई भी वस्तु जो दबाने पे न दबे, मतलब ठोस हो, मजबूत हो, वो ठोस जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, ऐसा पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसका आकार, आकार एवं आयतन निश्चित, सॉरी, निश्चित होता है, जैसे जैसे मेज, टेबल, कुछ भी ले सकते हैं ठोस चीज़ आप, पेन, मोबाइल, कॉपी, किताब, ये सब क्या है? ठोस वस्तु है। ऐसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार एवं आयतन निश्चित होता है, वो ठोस कहलाते हैं। जैसे मेज, टेबल, कुछ भी ठोस चीज़ हो, वो सब क्या होता है? ये उसका आकार और आयतन दोनों से, अब हम देखते हैं आयतन क्या होता है। आयतन जितना वो स्थान घेरता है, जितना वह स्थान घेरता है वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास बुक है, क्या है ये? बुक है। ठीक, ये जितना जगह घेरा है, जितने स्थान पर रखा गया है, ये इसका आयतन कहलाता है। ठीक, इस बुक को अगर इतना आयतन लिया तो हम उठा के यहाँ भी रख देंगे तो इसका आयतन इतना ही रहेगा, ये न बढ़ेगा न ही घटेगा, तो ये इसका आयतन होता है। आकार, आकार तो वही होगा, आकार आयतन दोनों यहाँ रख देंगे तो क्या इसका आकार छोटा हो जाएगा? क्या ऐसा नहीं होता है। तो ये इसको, ये सब ठोस कहलाता है। ठीक, इसमें एक दो चीज़ और होता है। ठोसों के अणु बहुत पास पास रहते हैं, ऐसे ये ठोस के अणु हैं, ये आपस में अंतराणविक बल, अंतराणविक बल से बंधे होते हैं। अंतराणविक बल इसमें सबसे ज़्यादा अधिक होता है, अधिक या आप कह सकते हैं उच्च, या अंतराणविक बल उच्च होता है। ठोसों में अंतराणविक बल बहुत उच्च होता है। अंतराणविक बल क्या होता है? इन दोनों बलों में जो बल होता है, मतलब जो आपस में खींच के रखने की जो क्षमता होती है, उसे अंतराणविक बल कहते हैं, और ये बहुत उच्च होता है ठोस में। जैसे आप बुक ले, कोई भी चीज़ लिए हैं, ईंट वगैरह कुछ भी, तो वो आपस में बहुत सटे सटे होते हैं, मतलब उसके अंदर का जो अणु अंतराणविक बल होता है वो बहुत उच्च होता है। अब इन दोनों के बीच की एक और चीज़ होता है दूरी, अंतराणविक दूरी। अंतराणविक इन दोनों के बीच कितनी दूरी है?
कम है, बहुत कम है, तो अंतराणविक दूरी कम होता है, अंतराणविक दूरी कम होती है, कम होती है। ठीक, ये अंतराणविक बल उच्च होता है, इतना ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंतराणविक जो बल होता है वो उच्च होता है, जो दूरी, ये जो दूरी है यहाँ से इस परमाणु के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, बहुत कम, तो अंतराणविक दूरी कम होती है। अब आगे देखते हैं द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, जैसे पानी, तेल, दूध, कुछ भी ले सकते हैं आप। द्रव से आप समझ ही सकते हैं, द्रव जो पानी, कोई भी चीज़ जो जमीन पर रहो, कहीं भी रखें तो बह जाता है, वो द्रव होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, द्रव का क्या होता है? आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, तो वो क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे पानी, आप पानी लीजिए, मान लीजिए आप एक बॉटल में पानी लिए हैं, यहाँ तक है पानी, आधा लीटर, कितना है? 1/2 लीटर, हाफ लीटर है। इसको आप किसी बड़े से बर्तन में रखेंगे या किसी बड़े डिब्बे में रखेंगे तो पानी कितना रहेगा? आधा लीटर ही रहेगा, उसका आयतन क्या होगा? आधा लीटर, वो पानी अधिक नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? इसका आयतन होता है, आयतन जितना द्रव्य का आयतन निश्चित होता है, अगर आधा लीटर पानी इसमें है तो इस बड़े से बर्तन में भी आधा लीटर नहीं, वो आधा लीटर का आधा लीटर ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो जाएगा। कि इसमें बर्तन मतलब बॉटल डिब्बा जो भी है आधा लीटर है तो इसमें भी आधा फुल होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जो आयतन होता है इसका एक आधा लीटर है तो इसमें भी आधा लीटर होगा। और आकार इसका देखिए आधे तक पहुँच गया है इसमें और इसमें थोड़ा सा गया है, तो ये होता है इसका आकार। आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है, ये हो गया द्रव। और इसके ये देख लेते हैं, इसके अणुओं की दूरी देख लेते हैं, बल देख लेते हैं। ये इनमें अणुओं की जो अणु होते हैं थोड़ा ठोस के अपेक्षा दूर दूर होते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि अंतराणविक बल, अंतराणविक बल ठोस के अपेक्षा कम होता है, ठोस के अपेक्षा कम होता है। और दूरी, अंतराणविक दूरी देखते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ठोस से तो ज़्यादा ही है, ठोस में एकदम पास पास अणु हैं और इसमें थोड़े दूर दूर अणु हैं, तो इसमें अंतराणविक जो दूरी होती है ठोस से ज़्यादा होती है, अंतराणविक दूरी ठोस से ज़्यादा होती है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। द्रव ऐसा पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, जैसे पानी, तेल, और इसमें जो अणुओं की दूरी होती है ठोस की अपेक्षा कम होती है, ठोस के अणु आपस में बहुत पास पास मिले होते हैं जबकि द्रव के अणु आपस में दूर दूर मिले होते हैं, और इसका जो दूरी है अंतराणविक जो दूरी है ठोस में एकदम सटे हैं तो इनके बीच की दूरी बहुत कम है, और इसमें थोड़े दूर दूर हैं तो इसके अंदर की दूर है, तो ये अंतराणविक दूरी ठोस से ज़्यादा होती है। अब आगे देखेंगे हम लोग गैस। अब देखते हैं गैस।
गैस क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ऐसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, जिसका आयतन आयतन एवं आकार जिसका आयतन आकार दोनों अनिश्चित होता है, जैसे गैस ले लीजिए आप, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई भी गैस ले लीजिए जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो। इसके बीच की दूरी देख लेते हैं, अणु, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, कभी यहाँ कभी यहाँ, ऐसे मतलब बहुत दूर दूर पर होते हैं ये। तो इसके जो अंतराणविक दूरी होती है, अंतराणविक जो बल होता है, अंतराणविक बल बहुत कम होता है, कम होता है। और अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी, अंतराणविक दूरी ठोस और द्रव्य से ज़्यादा होती है, अंतराणविक दूरी अधिक होती है, अधिक होती है। ये हो गया ठोस के बारे में। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण देख लिए, अब रासायनिक वर्गीकरण पदार्थ को। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, पदार्थ शुद्ध पदार्थ मिश्रण, शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, सामांगी मिश्रण, सामांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। ठीक, पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण से दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को पुनः दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब हम तत्व के बारे में देखते हैं, तत्व क्या होता है, देखते हैं तत्व क्या होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। ठीक, जैसे H हाइड्रोजन, H2Cl2, S8 सल्फेट, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कोई भी तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, ये नहीं एक परमाणु नहीं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हो, क्लोरीन क्लोरीन से मिलकर बना हो, सल्फर सल्फर से मिलकर बना हो, तो क्या होता है, तत्व होता है। आप H को भी हम तत्व कह सकते हैं, H2 को भी तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वो H और H से ही मिलकर बना है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, तत्व। इसे किसी भी भौतिक और रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु और अधातु। तत्व को दो भागों में पहला है धातु
धातु एवं अधातु। तत्व को दो भागों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं यौगिक, सॉरी हो गया, यौगिक क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये तत्व, देख लिए एक ही प्रकार तत्व परमाणुओं से मिलकर बना है, और जो यौगिक होता है तत्वों से मिलकर बना होता है। यौगिक विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसे H2O, NH3, CO2। ये सब क्या है, यौगिक है। यौगिक किसे कहते हैं, विभिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु, विभिन्न कोई भी तत्व ले लीजिए आप, कोई भी तत्व, उसके दो या दो से जो अधिक परमाणु हैं, जैसे ये और ये दोनों परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, वो क्या होता है तत्व। जैसे H2O, H2O में दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसके अनुपात क्या हुआ, 1:2, 2:1। तो ये एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक अकार्बनिक। कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। आगे देखते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है तत्व और यौगिक के अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जिसका जैसे यौगिक में क्या था कि निश्चित अनुपात था, और इसमें अनिश्चित अनुपात से मिले होते हैं, जैसे जल में नमक का घोल, जल में नमक का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। वायु हो गया जल में, बालू का घोल हो गया। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब देखते हैं समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण, समांगी मतलब समान संगठन, अरे समांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसमें समान संगठन पाया जाता हो, ऐसा मिश्रण जिसमें समान संगठन पाया जाता है, जैसे जल में नमक का घोल, जल में चीनी का घोल, जल में चीनी का घोल समांगी मिश्रण के, जल में नमक का घोल। आप जल में नमक घोलते हो तो कहीं से भी आप जल उठा के पी लो, नीचे से ऊपर से बीच से, उसमें नमक
बराबर मात्रा में चारों तरफ मिलता है। इसी तरह जल में चीनी का घोल, पानी में जब हम शरबत बनाते हैं तो ये ऐसा नहीं है कि ऊपर का मीठा लगे नीचे का नहीं मीठा लगे, उसमें जो चीनी का जो संगठन होता है वो चारों तरफ बराबर होता है। दूसरा है बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मतलब असमान संगठन, मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण जिसमें ऐसा मिश्रण जिसमें असमान संगठन होता है, समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें समान संगठन पाया जाता है वो समांगी मिश्रण होता है, बिस्मांगी बिस मतलब अलग अलग, अलग ऐसा मिश्रण जिसमें असमान संगठन पाया जाता है। जैसे पानी में अगर हम चीनी घोलते हैं तो उसमें उसका जो चीनी का जो संगठन होता है पूरे पानी में बराबर मात्रा में मिला होता है तो वो समान संगठन होता है, लेकिन जैसे बिस्मांगी मिश्रण होता है तो उसमें असमान संगठन पाया जाता है। जैसे आप जल में अगर बालू को डालते हो तो कहीं बालू थोड़ा बहुत ऊपर रह जाती है, कहीं बीच में, कहीं नीचे जाके बैठ जाती है। जल में मिट्टी का घोल, अगर आप जल में मिट्टी डालते हैं तो भी ऐसे ही ऊपर ऊपर मैला मिट्टी बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है, तो ये क्या होता है असमान संगठन, जिसमें पूरे में समान संगठन नहीं हो, पूरे